फ्रेंड्स, मैं वहीदा और वेलकम टू माय चैनल वहीदा बिलिमोरिया। फ्रेंड्स, हमारा जो क्लास सेवेंथ का सफर आज जो जारी है, इसमें हम 13th चैप्टर यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की आज सेकेंड एक्सरसाइज देखने वाले हैं। यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट, और इस चैप्टर की नहीं बल्कि आप कहेंगे कि एक्सपोनेंट्स एज जनरल अगर आप लें तो भी उसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। यहां हम एक्सपोनेंट्स के रूल्स सीखने वाले हैं जो हमें आने वाले सभी सालों में बहुत काम लगने वाले हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि इस एक्सरसाइज को दो बार जरूर ट्राई कीजिए और फिर देखिए ये रूल्स आप कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं 13.2 का सफर। वेलकम चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज 13.2 ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर, दैट इज आवर 13th चैप्टर। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि हमें जो भी आंसर है उसे पूरा ही सिंप्लीफाई नहीं करना है, उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो पहला है 3^2 मल्टीप्लाई बाय 3^4 मल्टीप्लाई बाय 3^8। अब फ्रेंड्स, ये ऐसा है, 8^2 मल्टीप्लाई बाय, बेस सेम होना चाहिए, 8^7 मल्टीप्लाई बाय 8^4। तो अगर आपका बेस सेम है तो वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, और अगर ये दो के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इनके जो पावर है उनके बीच में आपको एडिशन लगाना होगा। मल्टीप्लाई है इसीलिए यहां पे पावर में आपने एडिशन लगाया, तो ये आंसर आपका हो गया 8^13। बिल्कुल यही जो रूल है ये हमें यहाँ पे लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका 3, एक ही बेस है 3, तो वो आप लिखोगे, और raise to 2 प्लस, क्यों प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये दो के बीच में मल्टीप्लाई था, 4 अगेन मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस 8, तो ये हो गया 8+2 10+4 14, 3^14। इसी तरह अगर डिविजन है तो रूल बदलाता है, तो वो कैसे होगा। पहली बात ये है फ्रेंड्स कि यहां पे 6 जो है इसके आप फैक्टर्स कर सकते हैं, 6 यानी 2 3 जा, लेकिन इस सम में हमें फैक्टर नहीं करने क्योंकि जो आंसर दिया गया है वो 6^2 ही है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए, अगर 8^7 डिवाइडेड बाय 8^2 है तो बेस सेम होने के कारण आप बेस एक ही बार लिखोगे, ये वाला पावर आप पहले लिखोगे, क्योंकि डिविजन है तो आप लिखोगे माइनस और फिर ये पावर, तो इसका आंसर हो गया 8^5। ये ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसमें भी फ्रेंड्स यही है, 8^7 जो छोटा है उसका पावर की साइन चेंज हो जाती है क्योंकि वो अपनी जगह डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में बनाता है, इसका मतलब यही है, तो ये हो गया आपका 8^5। अगर फ्रेंड्स ये ऐसा होता 8^2 / 8^7 तो फिर क्या होता, आप देख सकते हैं कि ये छोटा है तो इसे अपनी जगह चेंज करनी पड़ती, तो 1/8^7 इसने अपनी जगह चेंज नहीं की तो वैसे का वैसा ही, और अब 2 है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आता है तो 2, सो 1/8^5। फ्रेंड्स, अभी आपको ये थोड़ा मैसी लग रहा होगा लेकिन हम रूल्स के साथ साथ सम कर रहे हैं, रूल्स के लिए हमने अलग वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन है और इसके बेस पे हम ये सम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 बेस है और 15 क्योंकि डिवीजन है तो -10, तो इसका आंसर है 6^5। इसके बाद का सम देखते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर, तो ये सिंपल ही है, ए क्योंकि बेस ए है और क्योंकि ये दो के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर के बीच में एडिशन होगा, सो 8^5, बहुत सिंपल है। यहां भी वही रूल अप्लाई करना है, भले एक पावर एक्स है और एक पावर 2 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बेस आपका 7 है, पावर एक्स, और क्योंकि दो नंबर्स के बीच में सेम नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है आप एडिशन करोगे 2, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, वेरिएबल और नंबर ऐड नहीं हो सकते, तो हमें इसे यहीं पे छोड़ना होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा सम जो है वो 5 रेस टू,
ये एक इंटरेस्टिंग है, नई चीज है, तो हम देखते हैं a रेस टू 2 रेस टू 3 अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो इसे हम कहते हैं पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर में जो दो पावर होते हैं इनके बीच मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि ये बेस आप ऐसे ही लिखोगे और ये दो के बीच मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो गया a रेस टू सॉरी 6, 3 2 6। यही चीज हम यहां अप्लाई करने वाले हैं, पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा। सो 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 3, ये हो गया 5 रेस टू 6 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 3। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 5 सेम बेस है और 6 अब क्योंकि यहां पे डिवीजन है तो माइनस 3, सो 5 रेस टू 3। 2 रेस टू 5 एक्स रेस टू 5 रेस टू 5। अब ये भी एक नई चीज है जो हम सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए ये ऐसा होता है a रेस टू 5 मल्टीप्लाई बाय b रेस टू 5। अगर आपके पावर सेम है तो आप इन्हें जो सेम है वो एक ही बार आएगा, ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे और अंदर जो बच जाएगा ये पूरी ही चीज बच जाती है, तो ये पूरी ही अंदर आ जाएगी। तो अगर ये रूल यहां पे अप्लाई करते हैं तो देखिए कॉमन आपका 5 है तो वो मैंने कॉमन पावर निकाल लिया 5 और बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 10 रेस टू 5। जैसे हमने आगे का सम किया ये भी वैसा ही है, आप देख सकते हैं कि 4 कॉमन है पावर तो मैंने वो कॉमन बाहर निकाल लिया, अब बच गया a मल्टीप्लाई बाय b। तो आप इसे इस तरह से कह सकते हैं a b रेस टू 4। ये तो हमारे लिए ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है 3। अब ये पावर ऑफ पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 रेस टू 12। ये हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, सो 2 बेस सेम है तो एक ही बार होगा और 20 क्योंकि यहां पे डिवीजन है माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू 3 जैसे था वैसे ही। इसका आंसर 2 रेस टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू 3। अगेन सेम बेस है तो आप एक ही बार बेस लिखोगे 5 क्योंकि यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, आप लिखोगे प्लस तो 2 रेस टू 8। इज इक्वल टू लिखना जरूरी है क्योंकि वो बताता है कि आपने ऊपर वाले सम स्टेप को सॉल्व करके नीचे लाए हैं। देखिए ये 8 रेस टू टी क्योंकि दोनों सेम बेस है एक ही बार लगेगा, टी अब डिवीजन है तो आप लिखोगे माइनस टी। बस इसमें ज्यादा कुछ सॉल्व करना ही नहीं, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि अब थोड़ा ज्यादा को सॉल्व करके आपको आंसर लाना होगा। देखिए इसका मतलब है 2 रेस टू 3 रेस टू 4। अब ये कॉम्पोजिट नंबर है तो आपको पता है इसका फैक्टर, जैसे कि देखिए 4 2 2 जा 2 1 जा तो ये 2 रेस टू 2। इसी तरह 3, अब आपको 32 के भी इस तरह से फैक्टर बनाने होंगे, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5। अब आपको पहले इसको और इसको साथ में करना है तो 2 रेस टू 3 दो के बीच में मल्टीप्लीकेशन था प्लस 2 इंटू 3 रेस टू 4। अब 3 रेस टू 1 कुछ ना हो तो रेस टू 1, यहां पे कोई पावर नहीं है तो रेस टू 1 2 रेस टू 5, ये हो गया 2 रेस टू 5 इंटू 3 रेस टू 4 अपॉन 2 रेस टू 5 इंटू 3 रेस टू 1। अब इसे इंडिविजुअल गिनिए, ये इंडिविजुअल गिनिए इस तरह से कि 2 रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 5 और इसे इंडिविजुअल गिनिए, तो ये आपका हो जाएगा फिर सिंपल, एकदम सिंपल कंसेप्ट हो जाएगा 2 रेस टू 5 माइनस 5 क्योंकि डिवीजन में है इनटू 3 रेस टू 4 माइनस 1। इसने अपनी जगह बदली तो ये प्लस की जगह माइनस हो गया, इसने अपनी जगह बदली तो ये माइनस हो गया, 2 रेस टू 0 इनटू 3 रेस टू। अब एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 तो इसका मतलब है 1 इंटू 3 रेस टू 3 इसका मतलब 3 रेस टू 3, ये आपका आंसर है। यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा जिसमें ये पावर ऑफ पावर है, तो 5 रेस टू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू 4, ये डिवीजन में 5 रेस टू 7 जैसे है वैसा ही आएगा। अब ये हो गया आपका 5 रेस टू 6, ये
प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 7, ये हो गया 5 रेस टू 10 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 7, डिवीजन है इसलिए एक ही बार बेस 10 माइनस 7, ये हो गया 5 रेस टू 3, क्योंकि आपको पावर में ही लाना है तो बस आपको यही करना है। सॉल्व कहा गया होता तो आपको इसकी वैल्यू भी लानी होती। अगेन 25 5 स्क्वायर होता है, ये तो आपने 25 का लिखा, अभी आपके पास पावर में 4 है तो वो यहां पे आएगा डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 3, ये आप मल्टीप्लाई करोगे सो 5 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 3, सो 5 रेस टू 8 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 3 दैट इज इक्वल टू 5 रेस टू 8, ये हो गया आपका माइनस 3 यानी कि 5 रेस टू 5। इनसे इजी एक्सरसाइज कोई हो ही नहीं सकती इस लेसन में, और ये इतनी इंटरेस्टिंग भी है। 3 इंटू ये सारे ही जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपको वैसे ही लिखने हैं 11 रेस टू 8। अब 21 तो आपको पता है 21 3 7 जा होता है, सो 3 रेस टू 1 इंटू 7 रेस टू 1 इंटू 11 रेस टू 3, ये सेम सम हमने आगे भी किया हुआ है तो पैटर्न ऐसी ही लेनी है। जैसे कि आपको इसे एक ग्रुप बनाना है, इसे एक ग्रुप बनाना है और इसे एक ग्रुप बनाना है, तो ये हो गया 3 रेस टू 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 11 8 माइनस 3। क्यों माइनस? क्योंकि हमने इनकी जगह डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में की और डिवीजन था इसलिए सब्रैक्शन। 3 रेस टू 0 7 रेस टू 1 इंटू 11 रेस टू 5। अब आप 3 रेस टू 0 एनीथिंग कुछ भी हो, अगर रेस टू 0 हो तो आंसर है 1, तो ये आपका हो गया 7 रेस टू 1 इंटू 11 रेस टू 5। अगर आप ये 1 ना लिखना चाहते हो तो आप इसे 7 इंटू 11 रेस टू 5 भी लिख सकते हो, ये दोनों ही सेम चीज है। यहां पे आप 3 रेस टू 7 पहले इसे सॉल्व करेंगे, सेम बेस है 4 प्लस 3 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, सो 3 रेस टू 7 अपॉन 3 रेस टू 7, इसका मतलब है 3 रेस टू 7 माइनस 7 3 रेस टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। आप अगर पावर फॉर्म में कहा गया है तो आपको एक्चुअली ये ही लिखना है, लेकिन अगर आप ये लिखते हैं तो इक्विवेलेंट आंसर राइट है, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो प्लीज ये तरीके से लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ये एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 प्लस अगेन एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 प्लस एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, सो दैट इज इक्वल टू 3। सो 3 आंसर कब आएगा? आप 1 रेस टू 3 तो लिख नहीं सकते, आपको अगर पावर फॉर्म में कहा गया है तो आप 3 रेस टू 1 लिख सकते हैं, अगर पावर फॉर्म में लिखना है तो, वरना इसका आंसर है 3। इसी तरह से ये भी यही होगा, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो गया आपका आंसर 1। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये ठीक है, वरना 1 रेस टू 1 या आप 1 रेस टू 1 लैक भी लिखेंगे तो भी वो आंसर 1 ही होएगा, लेकिन ये आंसर यहाँ पे राइट है। वैसे ये भी राइट है, ये भी राइट है, आप अपनी स्कूल की पैटर्न फॉलो कीजिए, अगर पावर फॉर्म कहा गया है तो फिर आपको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन 1 क्या है कि आप 1 को रेस टू एनीथिंग करिए वो 1 ही रहेगा, तो वो आप सोच लीजिए। इसके बाद है ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सम है, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 प्लस अगेन 2 रेस टू 0 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू 0 इज 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, तो आप इसे 2 रेस टू 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 रेस टू 8 a रेस टू 5, आप देख सकते हैं कि 4 जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है तो इसके फैक्टर है 2 रेस टू 2 और 3 ऑलरेडी पावर था ही, मल्टीप्लाई बाय a रेस टू 3। 2 रेस टू 8 मल्टीप्लाई बाय a रेस टू 5 अपॉन ये मल्टीप्लाई होगा सो 2 रेस टू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय a रेस टू 3, ये हो गया 2 रेस टू 8 इंटू a रेस टू 5 अपॉन 2 रेस टू 6 इंटू a रेस टू 3। अब आप इसे ग्रुप के तरीके से देखिए, डिवीजन के सम है, 2 रेस टू 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय a रेस टू 5 माइनस 3, सो दैट इज 2 रेस टू 2 a रेस टू 2। आप इसे कॉमन भी निकाल सकते हैं पावर को और अंदर 2a, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट वन भी कुछ इसी तरह का है, पहले आपको ये सॉल्व करना होगा. सो दैट इज ए रेज टू 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू 8. सो ए रेज टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू 8, क्योंकि दो के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, एक ही बार आप बेस लिखोगे 2 प्लस 8. सो ए रेज टू 10. ये वाला भी कुछ इतना ही इजी है. ध्यान ये ही रखना है कि जो 4 है ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो 2 रेज टू 2 आप 4 के लिए लिख रहे हैं, और फिर 5 है तो पावर ऑफ पावर हो गया वो, ए रेज टू 8 इंटू बी रेज टू 3. आप इसे इस तरह से दो के बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन करके अलग कर सकते हैं. अगेन 2 रेज टू 2 मल रेज टू 5 इंटू ए रेज टू 5 बी रेज टू 2. अब ये 2 रेज टू 10, इसे एक ग्रुप तरीके ले लीजिए, अब आप ग्रुप बनाइए 2 रेज टू 10 माइनस 10, ए रेज टू 8 माइनस 5, बी रेज टू 3 माइनस 2, 2 रेज टू 0, ए रेज टू 3, बी रेज टू 1. तो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, 1 इंटू दिस इज सेम नंबर. तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स. यहां पे अब हम जब बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आप ये अगर इस तरह से ना भी करो तब भी आपको पता है कि दोनों सेम ही चीज है. सो 4 रेज टू 5 माइनस 5 भी 4 रेज टू 0. डायरेक्ट यहां पे करने पर भी अगर आपको ये 1 ही आना था, देखिए, और फिर आप ये भी कर सकते थे, लेकिन ये गलत होता. क्यों? क्योंकि हमने इसके इस तरह से रूल अप्लाई नहीं किए है. आपने इसे कॉम्पोजिट से प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट नहीं किया, फिर पावर ऑफ पावर नहीं किया, तो भले ही यह आंसर सेम ही आता. देखिए यहां पे भी आंसर 2 रेज टू 0 1 ही आने वाला है, लेकिन ये प्रोसीजर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस साल में. आगे के साल में तो फिर फ्रेंड्स ये ही शॉर्टकट हम करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इंटू बी स्क्वेयर. इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है कि अभी की क्लास के लिए इसका मतलब ये स्क्वेयर इसे भी मिलेगा और इसे भी मिलेगा, लेकिन यहां पे पहले आपको ये सॉल्व करना होगा और फिर वो पावर करना होगा, क्योंकि यहां पे दोनों के बेस सेम है जबकि ये दोनों नंबर अलग है. तो देखिए पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 2 रेज टू 3, अगर यहां पे कोई पावर नहीं इसका मतलब पावर 1 है, प्लस 1 रेज टू 2, सो 2 रेज टू 4 रेज टू 2, और 2 रेज टू 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू 8. ये पैटर्न यहां पे लगेगी. ये हम जानते हैं एक्सपांशन के रूल है, लेकिन अभी हमने ये सीखा नहीं है, और इसमें दोनों चीज अलग होती है जबकि यहां पे दोनों चीज का बेस सेम है, तो यही पैटर्न लगेगी, ये वाली नहीं लगेगी. प्लीज इसे ध्यान दीजिए, तभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है. अब आपको से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. अब देखिए ये आपका कोई बेस नहीं, इसका मतलब 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड जब आप सॉल्व करोगे 10 रेज टू 1 इंटू 10 रेज टू 11, तो ये हो गया 10 रेज टू 1 प्लस 11 10 रेज टू 12. जबकि ये कितना होता है, तो राइट हैंड साइड देखिए 100 का मतलब क्या है, 100 का मतलब 10 रेज टू 2 और फिर आपका 11 है, तो ये 10 रेज टू 2 इंटू 11, तो ये 10 रेज टू 22 हो गया. देखिए ये 12 है और ये 22 हो गया जब आपने इसे सॉल्व करके देखा, इसलिए हमारा आंसर ये फॉल्स है. अब देखिए यहां पे भी वही चीज करनी है. लेफ्ट हैंड साइड आप जब सॉल्व करोगे 2 रेज टू 3, तो 2 रेज टू 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में किया था, 2 2 4 4 2 8. जो फ्रेंड्स हमारे साथ अब नए जुड़े हैं, जिन्होंने हमारा इसी लेसन में एक्सरसाइज 13.1 नहीं देखा, तो प्लीज जाके देख लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको. अब आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना है, तो देखिए 5 स्क्वायर, इसका मतलब 5 आपको दो बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 25. तो 8 इज लेस देन 25, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन, जबकि यहां पे क्या बता रहे हैं, वो तो ग्रेटर बता रहे हैं, और इसीलिए हमारा आंसर है फॉल्स. अब थर्ड वन देखते हैं जो कुछ इसी टाइप का है. तो आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करनी है, 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 2,
यानी कि टू थ्री टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है और थ्री को टू टाइम्स, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री ज़ा नाइन, तो ये हो गया आपका 72। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, तो ये आपका हो गया 6 raised to 5। यानी के देखिए ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, 6 into 6 into 6 into 6 into 6, 6 आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, और अगर आप इसके फैक्टर करें तो 2 3 ज़ा और फिर 5, सो 2 raised to 5, ये इसे भी मिलेगा और इसे भी मिलेगा, और ये 3 raised to 5, जबकि ये देखिए सम क्या था, 2 raised to 3 और 3 raised to 2, ये दोनों के पावर तो अलग है, तो ये कहां सेम हुए, तो आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके फैक्टर करके इस तरह से अगर एक्सपांड करके देखेंगे तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप अगर इसे भी सॉल्व नहीं करते, इसे सिर्फ एक्सपांड करते तब भी आपको पता चल जाता कि ये दोनों चीज अलग है। अब ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने आपको बताया एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, सो लेफ्ट हैंड साइड 3 raised to 0 का आंसर है 1, राइट हैंड साइड अगर वो 1 crore भी होता और वो रेस टू 0 होता तो उसका आंसर 1, दोनों चीज सेम है, देयरफॉर ट्रू। यहां पे फॉल्स में लिखना भूल गई थी। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलिए 108 का हम पहले फैक्टर 5 4, 2 7 3 9 3 3 3 1, तो इसके फैक्टर आपके हो गए 2 raised to 2 और 3 raised to 3। देखिए 2 दो बार है और 3 3 बार। चलिए अब 192 के भी फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 9 एंड 6 ज़ा, 2 4 ज़ा 8 ज़ा, 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1, 1 2 3 4 5 6, सो 2 raised to 6 इंटू 3 raised to 1। अब आपको ग्रुपिंग करना है, तो 2 raised to 2 ये दो वाले प्लस 6, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 3 प्लस 1, सो 2 raised to 8 इंटू 3 raised to 4, ये आपका आंसर है। आपको दोनों ही फैक्टर को क्लब करना है और फिर उन्हें इस तरह से सॉल्व करना है। ये तो बहुत सिंपल है, सिर्फ एक नंबर है 270, सो 2 1 3 5, अब 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 5, 3 1 5 3 5 5 1, सो 2 raised to 1, 3 raised to 3 एंड 5 raised to 1, बस यही आंसर है। अगर आप इसकी जगह पे 2 into 3 raised to 3 into 5 ऐसे लिख देते हैं, ये 1 1 अगर ना लिखे तो भी वो इक्विवेलेंट ही है। 729 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, अगेन 3 8 ज़ा 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 7 ज़ा, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, 1 2 3 4 5 6, सो 3 raised to 6 इंटू, अब आप 64 करोगे, 2 32 ज़ा 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, 1 2 3 4 5 6, 2 raised to 6। अब आप सिंपल इसे या तो इस तरह से लिखिए या फिर आप 2 into 3 raised to 6, ये दोनों ही आंसर राइट है। ये मैंने सिर्फ रीअरेंज किया, 2 को पहले लिया है और 3 को बाद में लिया है, और दूसरे को हमने कॉमन पावर निकाल के लिया है। आप दोनों ही में से कोई भी मेथड कर सकते हैं, दोनों ही राइट है। अब आपको 768 के फैक्टर्स बनाने हैं, जो बहुत सिंपल है, हमारी मेथड से ही होंगे। 2 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा एंड 4 ज़ा, 2 1 ज़ा 9 ज़ा 2 ज़ा, 2 9 ज़ा, और आपके पास ऑलरेडी इसके फैक्टर्स हैं, हमने पहले सम में किए हुए हैं,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो ये आपका हो गया 2 raised to 8 इंटू 3 raised to 1 या फिर 2 raised to 8 इंटू 3. आप कोई भी मेथड लिख सकते हैं. सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि अब आप इसे आंसर एक नंबर में लाइए. अगर आप नंबर में नहीं ला सकते उन्हीं चीज को आप छोड़ सकते हैं. जैसे वेरिएबल के रेस पे, जैसे कि यहाँ पे टी रेस टू एट है तो आपको इसे छोड़ देना होगा, वरना आपको आंसर एक नंबर में लाना होगा. तो देखिए यहाँ पे ये पावर ऑफ पावर है, तो 2 raised to 5 into 2 multiplied by 7 raised to 3. यहाँ पे 8 का मतलब है, देखिए 8, 2 4s are 2, 2s are 2 1s are, तो 2 raised to 3 और इसका पावर ऑलरेडी 3 पहले से ही था, इंटू 7 raised to 1. सो 2 raised to 10 इंटू 7 raised to 3 अपॉन 2 raised to 3, 3s are 9 इंटू 7 raised to 1. सो 2 raised to 10 minus 9, ये ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, इंटू 7 raised to 3 minus 1. सो 2 raised to 1 इंटू 7 raised to 2. अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको सिंप्लीफाई कहा गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर नहीं लाना है. सो 7 7 का मतलब है 7 into 7, तो 49, तो ये हो गया आपका 98. यहां पे क्योंकि 25 का मतलब है 5 square into 5 square into t raised to 8 अपॉन 10 का मतलब 2 5s are और raised to 3 इंटू t raised to 4. अब ये तो बिल्कुल साफ है कि 5 कॉमन है और 2 plus 2 इंटू t raised to 8. ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे पावर इसे भी मिलेगा और इसे भी, यानी कि 2 raised to 3 multiplied by 5 raised to 3, और ये जैसे था वैसे ही. अब आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो है 5 raised to 4 इंटू t raised to 8 अपॉन 2 raised to 3 इंटू 5 raised to 3 इंटू t raised to 4. अब आप ग्रुप में इसे ले सकते हैं और इसे ले सकते हैं, ये तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो इसका मतलब 5 raised to 4 minus 3 मल्टीप्लाई बाय t raised to 8 minus 4, और ये 2 raised to 3 जैसे था वैसे ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा. अब ये आपका हो गया 5 raised to 1 t raised to 4 अपॉन 2 raised to 3. तो 5 raised to 1 तो 5 t raised to 4 होगा, और 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो ये आपका आंसर होगा. इस एक्सरसाइज का लास्ट सम फ्रेंड्स बहुत सिंपल है. 3 raised to 5, 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो आप इसे 2 5s are 10 और फिर ये 5, और 25 5 स्क्वायर से बनता है. अगेन 5 raised to 7, 6 कैसे बना, 2 3s are. सिंपल में आपको कंपोजिट नंबर को प्राइम में कन्वर्ट करना है. 3 raised to 5 इंटू ये इसे भी और इसे भी, सो 2 raised to 5 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर अपॉन 5 raised to 7. अब ये 5 इसे भी और इसे भी, 2 raised to 5 3 raised to 5. ये हो गया आपका, 3 में सिर्फ आपके पास पहले 2 वाला लिखेंगे, फिर 3 वाला लिखेंगे, और फिर 5 वाले आपके पास 2 है, इनके बीच में एडिशन क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे भी 2 raised to 5, 3 raised to 5 और 5 raised to 7. अब आप देख सकते हैं कि ये 2 raised to 5, 3 raised to 5, 5 raised to 7 अपॉन 2 raised to 5, 3 raised to 5 इंटू 5 raised to 7. अब बड़े क्लासेस में आप सिर्फ इन्हें कैंसिल करके 1 लिख देंगे, लेकिन इस क्लास में माइंड यू फ्रेंड्स आपको बिल्कुल पूरी तरह से ये लिखना होगा, 2 raised to 5 minus 5, 3 raised to 5 minus 5, 5 raised to 7 minus 7, 2 raised to 0, 3 raised to 0, 5 raised to 0, 1 into 1 into 1, that is equal to 1. ये आपका आंसर. तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस एक्सरसाइज में मजा ही आया होगा, जैसे हर दम मुझे आता है जब मैं आपके साथ सेवेंथ का सफर को एक्सप्लोर करती हूँ. तो चलिए फिर एक लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, और वो एक्सरसाइज ही क्या, मुझे तो लगता है कि वो 8 to 10 minutes की एक्सरसाइज होगी, लेकिन ये आपसे जरूर कहूंगी कि इस सेम टाइम के जो आने वाली एक्सरसाइज है उस सेम टाइप के सम्स जो है क्लास 10th में भी है, और वो भी इतने इजी.
तो चलिए फिर, तब तक प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट मेरी चैनल को यूं ही दिखाते रहिए।